परसों में डिस्कस किया था कि एक वेव के अंदर एक ट्रस्ट और एक ट्रस्ट जो है उसका होना मस्ट है। अगर ये हमारी मेन लाइन है और ये हमारे पास एक वेव है जिसमें ये हिस्सा ट्रस्ट है और ये वाला हिस्सा ट्रस्ट है, तो इसकी जो वेव लेंथ है वो 1 लैम्डा है। हम कहेंगे हमारे पास जो वेव है उसकी जो वेव लेंथ है वो 1 लैम्डा है। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि हमारे पास दो क्रस्ट आ जाए या दो ट्रफ आ जाए, इस तरह से हमारे पास हो सिचुएशन कि अब इस सिचुएशन में हमारे पास दो क्रस्ट बन रहे हैं, दो क्रस्ट बन रहे हों या दो ट्रफ बन रहे हों, तो उस सिचुएशन में भी जो वेव लेंथ होती है हमारी 1 लैम्डा होती है, यानी कि ये हिस्सा भी अब हमारा लैम्डा कहलाएगा। या अगर इसके अलावा हमारे पास इस तरीके से होता, ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा ट्रफ, ये क्रस्ट और ये हमारा ट्रफ है, इस तरीके से होता, ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह से ना होती, तो इस सिचुएशन में अब जो हमारे पास है वो दो ट्रफ आ रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हम लोग 1 लैम्डा कह सकते हैं। तो वेव लेंथ में दो क्रस्ट हो या दो ट्रफ हो या एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो, तो इस चीज़ को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। आज हम लोग वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से रिलेशनशिप बताएंगे कि आपस में वेवलेंथ जो है, जैसे कि ये फार्मूला, जैसे कि वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इस चीज़ को आज हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो हमारी वेवलेंथ है वो स्पीड ऑफ वेव और उसकी फ्रीक्वेंसी से किस तरह से आपस में रिलेट है। लेट्स सपोज कि ये हमारी जो वेव है ये एक वेवलेंथ है हमारी, जो कि लैम्डा इसकी लेंथ है। अब ये वेवलेंथ किसी ना किसी टाइम इंटरवल के अंदर ही कम्प्लीट हुई होगी। सपोज कर लेते हैं कि जब हमारे पास टाइम एक जो कंप्लीट टाइम पीरियड है, हम लोगों ने 7 चैप्टर में बात की थी कि एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस चीज़ को हम लोग उसका टाइम पीरियड कहते हैं। और एक पॉइंट से एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी वेव निकले, चाहे 2 निकले 3 निकले 4 निकले, जितनी भी वेव 1 मिनट 1 सेकेंड के अंदर उस पॉइंट से, एक ही फिक्स पॉइंट से निकलती है, उस चीज़ को हम उस वेव की फ्रिक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि इस वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम दरकार है। अगर हम ये कहें कि अभी हमारे पास जो टाइम है उसका सिर्फ T+4 टाइम जो है वो ट्रेवल हुआ है, तो हमारे पास जो वेव की कुछ फॉर्म आएगी वो इस तरीके से आएगी कि हमारी जो वेव है तकरीबन हाफ से भी जो है एक वेव लेंथ का λ/4 पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा इस तरीके से। इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी मेन लाइन है और ये वेव के प्रोड्यूस होने का पॉइंट ओ है। इस पॉइंट से हमारी जो वेव है वो प्रोड्यूस हो रही है, इसे हम कह लेते हैं ये पॉइंट ए तक हमारी जो वेव है वो कंप्लीट होती है T/4 टाइम में, यानी कि जब वक्त हमारे पास एक टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा कंप्लीट हो जाता है तो हमारी इतनी वेव कंप्लीट हो जाती है। अगर अब हम ये कहें कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो आधा गुजर चुका है, तो हमारी जो वेव है वो इस तरह से तकरीबन एक हिस्सा उसका कंप्लीट हो जाएगा, या तो क्रस्ट कंप्लीट हो जाएगी या अगर हम लोग ट्रफ से शुरू कर रहे हैं तो ट्रफ कंप्लीट हो जाती है। अब जब T/2 हो गया तो हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा टाइम है वो इतना गुजर गया, जैसे कि 3T/4 इतना टाइम हमारा गुजर चुका है, तो इसके बाद जो हमारी वेव कंप्लीट होती है, वेव के कंप्लीट होने की डायरेक्शन ये है कि अब हमारी जो वेव है वो इस तरह की होगी, वेव नीचे की तरफ जाएगी। हमें मालूम है कि हमारी वेव में एक हिस्सा ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है और एक हिस्सा नीचे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्ट्रिंग, जब धागा या कोई भी रस्सी हो उसे आप एक फिक्स पॉइंट से बांधे तो उसमें इस तरह की वेव प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इस तरह से पहली वेव ऊपर की तरफ, अगर ये हमारा क्रस्ट बन रहा है तो फिर हमारा ट्रफ आता है, फिर उसके बाद फिर हमारा क्रस्ट और फिर हमारा ट्रफ आता है। अगर आप किसी एक पॉइंट से स्ट्रिंग को या रोप को बांध कर उसे हरकत दें तो जब यहाँ तक आता है तो हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ओ से ये बी तक आया और बी से दोबारा सी, और अब सी से क्या होगा कि जब हम लोग कहते हैं कि हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट एक टी हो चुका तो हमारी ये वेव कंप्लीट हो जाती है, इस पॉइंट पर दोबारा मेन पोजिशन पर आ जाती है। जैसे कि अगर आप ये कहें कि ये वो रीजन है जहाँ से आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये वो पॉइंट ओ है जहाँ से आपकी वेव प्रोड्यूस हुई है, और इसके बाद जैसे ही आपका टाइम पीरियड T/4 गुजरा है तो इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया जो कि ए है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही T/2 हिस्सा कंप्लीट होता है टाइम पीरियड का, तो आपकी इतनी वेव फॉर्म हो जाती है, यानी कि ओ से बी तक आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है वेव के बनने का, ये T/2 हिस्से में हो गई। और जब आप इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो इस पॉइंट पर जो है 3T/4 हिस्सा होता है, और जब ये कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाए तो आपकी जो वेव है वो कंप्लीट हो जाती है। और जब एक कंप्लीट वेव ट्रैवल हो जाती है इस पॉइंट तक आके,
तो ये आपकी एक कंप्लीट टाइम इंटरवल टी में होती है। जब आपका ओरिजिन था तो इस पॉइंट ए तक आने के लिए आपको टी बाय फोर टाइम दरकार था, और जब आप पॉइंट बी तक आते हैं तो आप टी बाय टू हिस्से में ये वाला जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आपकी क्रस्ट टी बाय टू हिस्से में ट्रैवल हो जाती है। और जैसे ही आप पॉइंट सी पर आते हैं तो ये वाला काम आप जो है थ्री टी बाय फोर टाइम में करते हैं, और एक कंप्लीट वेव जो है वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड टी में जो है वो ट्रैवल हो जाती है। अगर अब आप एक बात गौर करें कि हमारी जो वेव है वो एक किस्म का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कभी वो ट्रफ बनाती है, ट्रफ जो है क्रस्ट बनाती है, और कभी जो है वो ट्रफ बनाती है। तो ये जो एक वेव लेंथ है इसे हम लोग इसका डिस्टेंस कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वेव का डिस्टेंस है, वेव डिस्टेंस, वो इक्वल है एस के डिस्टेंस, क्योंकि एस के इक्वल होता है, इसे हम लोग लैम्डा कह सकते हैं। और जो इसके कंप्लीट होने का टाइम है, यानी कि इस कंप्लीट डिस्टेंस में जो टाइम लगा है हमें इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, उस टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टाइम टी से इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर हमें ये बताना हो कि हमारी ये जो वेव है ये कितनी तेज़ी से बनी, यानी कि इसके बनने की जो स्पीड है, अगर हम लोगों को उस स्पीड को बताना हो तो उसे हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं, इसे हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आपको मालूम होगा कि एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला आपको याद होगा कि जो फासला तय किया जाता है या कुल तय करदा फासला, हमेशा उस फासले को करने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसके और जितनी वेलोसिटी के साथ वो फासला तय किया जाता है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा इस वेव के बनने में जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा एस है, जिसे हम लोग वेव की फॉर्म में जो है वो लैम्डा कहते हैं, यानी कि वेव के वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं वो लैम्डा की सूरत में होता है। तो अगर मैं एस को यहाँ पे लैम्डा कह दूँ और वी ये जो वेलोसिटी है जिसके साथ हमारी वेव ने ये कम्प्लीट किया है डिस्टेंस, और ये वो टाइम इंटरवल टी है, कैपिटल टाइम, जो एक वेव को कम्प्लीट होने के लिए लगता है, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अगर इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए हमें चूँकि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी तेज़ी से ये फॉर्म होती है, तो जो स्पीड है उसकी वो मालूम करनी है, तो मैं लैम्डा के नीचे अगर टी को डिवाइड कर दूँ तो ये हमारे पास उस चीज़ की स्पीड आ जाएगी इस वेव की, ये कि कितनी तेज़ी से जो है वो बनी है। अब इस रिलेशनशिप को मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ कि हमारा लैम्डा जो है वो डिवाइड हो रहा है वन बाई टी से, और आपको मालूम है कि जो टाइम पीरियड है उसमें और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ जो है इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर किसी जगह वन बाई टी लिखा हो तो उसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि अगर मैं एफ को ऊपर लेके जाना चाहूँ तो टी को नीचे लाऊंगी और वन बाई टी हो जाएगा, यानी कि एफ को वन बाई टी की फॉर्म में और टी को वन बाई एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि वन बाई टी है तो मैं इस चीज़ को एफ से रिप्लेस कर सकती हूँ, यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है कि किसी भी पॉइंट से एक सेकेंड के अंदर जितनी भी वेव ट्रैवल करें उस चीज़ को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम जो स्पीड है उसे लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल लिख सकते हैं। इस चीज़ को ही हमें प्रूव करना था कि जो वेव की स्पीड होती है, उसके पैदा होने की जो रफ्तार होती है, वो उसकी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इस तरीके से इस फॉर्मूले से वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हम लोग वेव के प्रोड्यूस होने की स्पीड मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली इनके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो रिपल टैंक है। रिपल टैंक में हम लोग जो है वेव के प्रोड्यूस होने की स्पीड को आसानी से देख सकते हैं छोटे से लेवल पे कि स्पीड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, और बड़े लेवल पे हम लोग यही फार्मूला इस्तेमाल करके किसी भी वेव के लिए किसी भी जगह पर उनकी जो है स्पीड जो है उनके पैदा होने की स्पीड, उनके प्रोपेगेशन की स्पीड जो है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।